और उस बात को जब हम बात करने जाते हैं, और अभी भी उनने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने ये नहीं बोला कि किसी ने कांग्रेस छोड़ दिया, बीजेपी ज्वाइन कर ली। स्पष्ट रूप से जो डरा के धमका के लोकतंत्र को बंदी बनाने का काम किया, इसके खिलाफ हम सब एकत्रित होकर दिग्विजय सिंह भूख हड़ताल पर बैठे हैं। देखिए स्पष्ट है वो भूख हड़ताल पे वहाँ पे बैठे हैं। उनसे जो गांधीवादी तरीका, जो कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारों की पार्टी है, कि जब तक नहीं होगा हमारे विधायकों से हम नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि प्रशासन को किसने अधिकार दिया कि एक राज्यसभा के प्रत्याशी को अंदर जाके अपने वोटरों से मिल नहीं पाए, ये अधिकार किसने दिया? ये अधिकार आप सब लोग तो आ गए वहाँ कौन होंगे? नहीं, इस पास पूरी हमारी कर्नाटक की पूरी यूनिट है। हमारे वहाँ पे पूर्व सीएम सिद्धरमैया साहब है, डीके शिव कुमार जी है, कांग्रेस तो सभी लोग वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी हम सब लोग मिल के अपना काम कर रहे हैं। स्पष्ट है कि हम सब मिलके पूरी तरीके से ये लोकतंत्र को जिस तरीके से कत्लेआम करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जिस प्रकार से इस देश के अंदर संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, हम सब मिलके और डट के उसके खिलाफ। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, बेंगलोर जा सकते हैं या फिर ऐसी कुछ रणनीति। देखिए जो भी विधायक दल में तय होगा सब तैयार है, एक साथ है, मजबूती के साथ है। जो माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का निर्देश होगा सब मिलकर काम करेंगे, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र को बचाने की बड़ी जवाबदारी आज मध्य प्रदेश के ऊपर है। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में सफल होते हैं इनके नापाक मंसूबों पे, तो ये देश की लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारों के खिलाफ इसी प्रकार से साजिश करने की कोशिश। कहना है कि केवल टाइम कंज्यूम करने की कोशिश। बीजेपी से हमने पहले दिन ही स्पष्ट कर चुके हैं, अगर आपको लगता है कि सदन में हमारे पास बहुमत नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव लेके आइए, चर्चा होगी, वोटिंग होगी जिसके पास। और आपने खुद राज्यपाल के पास 106 विधायक ले जाके दर्शा दिया है कि 222 के सदन में जाए 113 विधायकों की जरूरत है। आपके पास 106 विधायक है, इसका मतलब आप बहुमत से कोसों दूर है, और ना तो आपके पास बहुमत है। सिर्फ आप इस प्रदेश के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को बंधक बनाने की कोशिश करते हैं, और इस प्रदेश से लोकतंत्र को खत्म करने के लिए धन बल और बाहुबल का जो अनैतिक पैसा आपने कमा रखा है व्यापम में, जो किसानों के गरीबों की पेंशन का, उस पैसे का दुरुपयोग करके इस मध्य प्रदेश में सत्ता के खिलाफ काम करना चाहते। आप गांधीवादी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आज आपकी सरकार है, कांग्रेस ने एक प्रदर्शन किया, भाजपा कार्यालय का घेराव किया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई कार्यकर्ताओं की। देखिए अगर कोई बात हुई होगी, जिस प्रकार से अलोकतांत्रिक तरीके से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, हम महात्मा गांधी के विचारों के साथ आज भी, मैं खुद बेंगलोर में था, जिस प्रकार से पुलिस ने में चुना हुआ जनप्रतिनिधि दिग्विजय सिंह जी, एक पूर्व मुख्यमंत्री है, एक राज्यसभा के कैंडिडेट है, उनके साथ जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक करा गया, तो कोई रिएक्शन कार्यकर्ताओं में होता है, ये एक्शन का रिएक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि तोड़फोड़ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने करी, तोड़फोड़ भारतीय जनता पार्टी के ही लोग करते। सिंधिया जी पे भी जो पत्थर चलाए थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चलाए थे, आरएसएस के लोगों ने चलाए थे। इनका काम है नफरत फैलाना, इनका काम है लोगों को तोड़ना, और ये काम बीजेपी के लोग खुद करते हैं और कहीं